इंटर कौन जो है हमारे खलनायक बाजू में संजय पांडे जी, आपका भी नाम संजय है जी, जी क्या कुछ करा था गणपति जी का फिल्म का मुहूर्त हो रहा है? सबसे पहले तो मैं गणेश चतुर्थी की सभी पत्रकार भाइयों को और यहाँ पे उपस्थित जो भी सारे सज्जन भाई बहन हमारे बैठे हुए हैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और यशस्वी फिल्म्स क्रिएशन की ये पहली फिल्म है जिसका नाम आपने देखा है, पोस्टर पर षड्यंत्र लिखा हुआ है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही सशक्त है और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आम जनता को बहुत ही पसंद आएगी। और इसमें हमारे फिल्म के मुख्य कलाकार जो हमारे हीरो हैं भाई रितेश जी हैं और संजय भाई का भी एक अहम किरदार है इसमें। इस फिल्म की पूरी बागडोर, पूरे निर्देशन का काम हमारे छोटे भाई HS पवन जी कह रहे हैं, हिमांशु शेखर पवन जी कर रहे हैं। और इनकी पिछले दो फिल्में बहुत ही ज़बरदस्त हिट गई हैं और इसलिए हम लोगों ने इनको अपनी फिल्म में एक कैप्टन की भूमिका दी है और मुझे लगता है कि ये अपनी भूमिका के साथ न्याय करेंगे और इस फिल्म को भी ज़बरदस्त हिट के रूप में जनता के सामने लाएंगे। भोजपुरी सिनेमा का हम क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, भोजपुरी फिल्म जो है या भोजपुरी कल्चर जो है हमारी देश की मिट्टी का हिस्सा है और यूपी बिहार में बड़ी तादाद में भोजपुरी बोली जाती है और भोजपुरी महसूस की जाती है। इसको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हम लोग नहीं ले आ पाए थे, लेकिन अभी हम लोगों की योजना है और तमाम लोग इसमें काम कर रहे हैं, भाई लोग हैं जो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भोजपुरी बोलचाल की भाषा में भी और लिखने पढ़ने की भाषा में भी बहुत ही आगे अपना नाम करेगी और लोग भोजपुरी से जुड़, मतलब जो मिठास है भोजपुरी में वो और भाषाओं में नहीं आती है। इसलिए भोजपुरी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हम लोग का ये प्रयास है कि हम लोग इस तरह की फिल्में और बनाएं, भोजपुरी सीरियल्स बनाएं, भोजपुरी फिल्म महोत्सव कराएं। जैसे आप लोग देखते होंगे बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्म में महोत्सव होता है, तो अपनी योजना है कि हम लोग बनारस में, काशी में आगामी आने वाले सालों में भोजपुरी फिल्म का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल कराएँ जिसमें तमाम आर्टिस्ट यहाँ के जो भोजपुरी फिल्म से जुड़े हुए हैं आएँ और उनको भी हम लोग विश्व के पटल पे उनका हम लोग नाम करवा सकें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? षड्यंत्र अच्छा जा रहा है या षड्यंत्र का तोड़ करेंगे? संजय पांडे जी हमेशा षड्यंत्र करने जाने जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जहाँ पे अभी हम लोग इस फिल्म का मुहूर्त कर रहे हैं महाराष्ट्र मुंबई में, तो यहाँ पे तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इसी दिन, इस पावन दिन को हम लोग अपनी फिल्म का मुहूर्त कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। और बड़े भैया संजय गुप्ता जी ने जो बोला, हमारे जो निर्माता हैं, कि एक अच्छी फिल्म, एक जो सामाजिक मुद्दा है, अब जो भी हम फिल्म बनाए हैं HS पवन जी हमारे डायरेक्टर साहब, अभी प्रजातंत्र हम लोगों की रिलीज हुई थी, एक सामाजिक मुद्दे को लेके हुई थी, उसके पहले इन्होंने राजा राजकुमार बनाया, तो दोनों फिल्मों को बखूबी निभाया है। और जिस प्रकार से संजय भैया ने इनके ऊपर जो विश्वास जताया है कि षड्यंत्र में कुछ अच्छा कर पाएंगे हम लोग, सबसे पहली बात आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म प्योर भोजपुरी नहीं है, इसको हिंदी और भोजपुरी को मिक्सअप टाइप का हम लोग बना रहे हैं। जैसे कि जो हिंदी हम लोगों के उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है, काजी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इस टाइप का हिंदी जो हम लोग का लैंग्वेज है, जिसका अगर हम लोग जो सोचे हैं वो कर पाए तो इस फिल्म षड्यंत्र का पैन इंडिया मार्केट होगा। जो भी हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी को समझने वाले लोग हैं, हमारी इस भोजपुरी, हिंदी भोजपुरी फिल्म को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। और बस आप लोग की गुड विशेष चाहिए कि हम लोग एक अच्छी फिल्म बना रहे हैं। स्कूटी पे जा रहे हैं, कैमरे साथ में? स्कूटी नहीं सर, स्कूटर है। जी जी जी, जिस प्रकार से उस पर प्रेस लिखा भी हुआ है, हम लोग रोजगार छीनने वाला है। आपका एक भाई बढ़ने वाला है, हम लोगों के साथ छीनने वाला नहीं है। तो जर्नलिस्ट की भूमिका है। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि जो ये मीडिया है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो इस समाज के सुधारने में, उसको एक सही दिशा में लाने में, सही पथ पे लाने में मीडिया का बहुत अहम योगदान होता है, बहुत अहम रोल होता है। तो उसको भी हम लोग इस फिल्म में दिखाएंगे। केंद्र में विपक्ष, विपक्ष वालों ने सामने मीडिया के
बैंड बजा कर रखी है, बहुत सारे नियम कानून लगा दिए हैं, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे एज ए जर्नलिस्ट अगर बनेंगे तो? कैसे नियम कानून? बहुत सारे नियम कानून है, बगैर जानकारी के आप किसी के बारे में कोई जैसे चुनाव आ रहा है तो उस बारे में नहीं छाप सकते हैं, कोई भी किसी बारे में क्वेश्चन करता था। मैं देखिए, मीडिया तो स्वतंत्र है, हमारे देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र है, जैसे चुनाव आयोग हो गया, मीडिया हो गया, ये सब स्वतंत्र है और इन पे कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। भाई मीडिया को प्रशंसा करती है मीडिया, तो मीडिया को आलोचना का भी अधिकार है, तो इसमें कुछ मुझे नहीं लगता है कि मीडिया पे कोई प्रतिबंध लगाना उचित है या लगेगा। कौन जी बताइए किसके खिलाफ प्रजातंत्र के बाद खड़ियंत्र, क्या उसका सिक्वल है या कुछ अलग आपके साथ षड्यंत्र हो गया जो आप में डालना चाह रहे? सबसे पहले गणेश चतुर्थी के तमाम भाइयों को नमस्कार, जो भी ये मीडिया के माध्यम से हमको देख रहे हैं या जान रहे हैं। रही बात इसके, पहले मैंने प्रजातंत्र फिल्म बनाई थी, वो भी कॉन्टेंटल फिल्म थी। हम कंडीशन को लेकर फिल्म नहीं बनाते कि हमको पैसा ज़्यादा कमाना है या कमर्शियल पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करते, हम समाज की कुरीतियों को लेकर दिखाते हैं जो हमारे यूपी बिहार या पूरे इंडिया में जिस चीज़ को हम लोग स्वीकार करते हैं लेकिन उसको मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित नहीं करते, उसको मेरा है कि मैं करूं, उसको दिखाऊं। ये फिल्म एक प्रेस रिपोर्टर की ही है, पत्रकारिता इसमें का अहम हिस्सा है, और ये फिल्म के मुख्य किरदार गिरीश बाबू एज ए प्रेस रिपोर्टर ही हैं, और वो कुरीतियों को इससे कैसे निकाल के बाहर दिखाते हैं, इनको कितनी यतनाएं और कितना ये सब कुछ सहन करके और ये समाज से लड़ के, प्रशासन से, भ्रष्ट तंत्र से लड़ के उजागर करके और मीडिया के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे, ये किरदार इनका रितेश पांडे जी का है। षड्यंत्र को तोड़ने का काम कर रहे हैं, षड्यंत्र रचने वाले तो इधर है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, और ये बहुत शुभ दिन में मुहूर्त हुआ फिल्म का, और सबसे खास बात ये कि हम और रितेश बाबू दोनों इनकी पिछली दो फिल्मों में रहे, और आज के दौर में जहां फिल्में 70mm से 52 इंची में आ रही हैं, इस शख्स की इनकी एक बहुत बड़ी खासियत जो मैं आपको इसके कहना चाहूँगा कि इनकी फिल्में गारंटेड पर्दे पर जाती हैं। हम जो फिल्में करते हैं उसमें हमें पता नहीं होता कि ये 70mm में जाएगी या 52 इंची में ही सिमट जाएगी, क्योंकि हार के एक बार बड़े से बड़े प्रोड्यूसर अपना कंटेंट भेज देते हैं, प्रीमियर कर देते हैं टीवी पे। ये अपनी फिल्मों को प्रॉपर रिलीज करते हैं और हम बड़े पर्दे पे देख सक पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत पवन जी की है, जो आजकल 90% देखने को नहीं मिल रही, जिससे कलाकार बहुत ज़्यादा हताश होता है जी, कि काम तो हमने पर्दे के लिए किया था, आपने हमको टीवी में सिमेट दिया, तो हम सीरियल ना कर लेते फिर, मैं तो कर ही रहा था सीरियल। ये बहुत खुशी की बात है, पवन जी की सबसे बड़ी खासियत, और हम दोनों फिल्में बहुत ह्यूज लेवल की बनी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब संजय जी जुड़े हैं और एक सेंसिबल इंसान जो सिनेमा को समझते हैं, जो भोजपुरी को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म उससे और ऊपर का मादा होगा, ये बिल्कुल कैनवास और बढ़ेगा पवन जी का और फिल्म का, भोजपुरी का, क्योंकि जब तक सोच बड़ी नहीं होगी काम बड़ा नहीं होगा। अभी कह रहे थे संजय भैया कि मैं जब पोस्टर बनवाने नरसिंह जी के पास गया था, उन्होंने कहा कि प्रेस को लेके भोजपुरी में कोई फिल्में नहीं बनी और आप इसके लिए फोटो शूट करवाइए। तो फिर मैं इन रितेश बाबू का डबिंग चल रहा था फिल्म का, मैंने गया 9 बजे रात को और मैंने ये बात कही कि भाई फोटो खिंचवाना जरूरी, चूंकि इनका तो लाखों फोटो है। हाँ, फोटो कॉपी पेस्ट कर देंगे कहीं का उठा के, इसका ये राजा राजकुमार का ही डाल। और रही बात नरसू भाई का नाम लिए, नरसू भाई भी हाजिर हो गए हैं, पूछिए सामने आइए नरसू भाई, बैठिए। एक और चीज संजय भाई आपसे साझा करना चाहूंगा कि प्रजातंत्र का जो रिजल्ट है, दो दो सप्ताह यूपी में चली है और मुंबई में सारे या खंडवा से कि कहां तो है, आपका कलेजा है कि आज किस दौर में आप पर्दे पे ला दे, आदर्श नगर से लेकर सब जगह फिल्म, कहता हूं 90% फिल्में पर्दे तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तो हमको ये षड्यंत्र भी है। रितेश बाबू क्या बोले? बिल्कुल संजय भैया ये बताइए कि एक्ट्रेस नहीं है क्या फिल्म में? एक्ट्रेस की तलाश जारी है, मन कैसे लगेगा? एक्ट्रेस वही तो षड्यंत्र के तहत मैंने गायब कर दिया, इसलिए गायब है, आने नहीं दिया इनको।
वही षड्यंत्र है, बहुत जल्द आपको मिलेगा। स्कूटर पे थी वो पीछे और मैं अपनी कार में उठा के ले गया। संजय भैया मैं परिचय देना चाहूंगा, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं यशस्वी फिल्म के जो निर्माता मैंने जो भी है सब सर्वे सर्वा भैया हैं, इनका अपना डेन काशी वगैरह सब कुछ चल रहा है और लाइव कम से कम बहुत शो कराए हैं जिसमें कैलाश खेर से लेकर सब कोई इन्हीं के माध्यम से। हाँ तो ये जो है भैया का जो हमारे भैया निर्माता हैं जिनका नाम संजय गुप्ता है। मैं फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री से 94 से जुड़ा हूँ और बनारस में जो सबसे पहला जो वहाँ का लोकल टीवी चैनल था सी टीवी के नाम से वो मैंने शुरू किया था 94 में। आज भी मेरा सिटी केबल और डेन का बनारस और पूर्वांचल का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास और वहाँ लोकल न्यूज़ वगैरह सारी मतलब मीडिया से हम लोग रिलेटेड रहे हैं। रियल इस्टेट में भी मैं हूँ तो कई शोज़ कई इस तरह के छोटे छोटे वेंचर्स हम लोगों ने किए हैं फिल्म और उससे जुड़े हुए कई म्यूज़िक एल्बम किए हैं और अभी पवन जी के ऊपर एक ट्रस्ट बना तो ये एक फिल्म का प्लान था और इसकी कहानी भी मैंने लिखी हुई है और कहानी मुझे लगता है कि अभी रिवील करना बहुत उचित नहीं होगा नहीं, 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 क्योंकि बहुत नहीं बिल्कुल उचित नहीं होगा। तो उस तहत ये जब पर्दे पे आएगी तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत आनंद आएगा और एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है ये कहानी और निश्चित रूप से सारे दर्शक इसको बहुत एंजॉय करेंगे। नितेश भैया आपने हर तरह के किरदार निभाए, हर तरह के रोल आपने निभाए हैं और स्पेशली आपको एक मीडिया एक पत्रकार की भूमिका निभाने का मौका मिल रहा है। कई बार आलोचनाएं होती हैं, कई बार सराहनीय भी होती है, तो बहुत ही तिगड़म वाली जिंदगी है, इसके लिए आप किस तरीके से क्या आप किसी पत्रकार से बात करेंगे, एक्सपीरियंस कैसे आएगा क्योंकि रियलिटी तो पर्दे पर आपको आप हमें देखे होंगे कि दिन में कम से कम 24 घंटे में 2 घंटा तो हमारा जाता है ये न्यूज़ देखते देखते। तो पत्रकारों को देख के ही और बहुत सारे ऐसे जैसे श्वेता सिंह जी हैं आज तक के रिपोर्टर, हमारे बड़े भाई इंडिया टुडे के संपादक हैं सौरभ द्विवेदी जी जो जिनका लल्लन टॉप चलता है, तो मैं बहुत करीब से जुड़ा हुआ हूँ इन लोगों से, तो पत्रकारों के बारे में थोड़ा बहुत पता है। और अब जब से ये मिला है हमें किरदार पर एक पत्रकार का तो उसके बाद से और अध्ययन जारी है। और आप लोगों भाई मेरे ये आपको फिल्म में पता चलेगा, ये फिल्म में पता चलेगा। देखिए फिल्में होती हैं समाज का आईना, तो जो समाज में चल रहा है उसी को हम लोग दिखाएंगे, जिस हिसाब से एक पत्रकार कैसे किसी चीज़ का किसी स्कैम का भंडाफोड़ करता है, क्योंकि देखिए मीडिया का काम यही है ना कि सच्चाई को पब्लिक के सामने लेके आए, तो मूलतः यही काम होगा और उसमें एक अच्छी सी लव स्टोरी चलेगी और उस लव स्टोरी को मैं वो हीरो है लव स्टोरी ना बोले। कुल मिला के हम लोग एक बहुत अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश, शूटिंग बनारस और उसके आसपास के जिलों में होगी, मेन शूटिंग वहीं पे होगी। फिल्म की लगभग 70-80% शूटिंग है यूपी में है और वो भी बनारस बेस्ड करके है, मिर्जापुर वगैरह लेके सब होगा। कोई एक यादगार आपके लाइफ में आपने कोई यादगार कोई कुछ ऐसा देखा हो जिसमें मीडिया की अहम भूमिका हो, जैसे मेरी लाइफ में मैंने 26/11 आतंकी हमला देखा है, मैंने 26 जुलाई के जो पानी आया था हम बह गए उसमें मैंने रिपोर्टिंग करी है और बहुत सारे ऐसे हैं, तो आपकी कोई याद जिसमें मीडिया के लिए आपके लिए वाह निकला हो, क्या बात है क्या काम करा हो, कुछ याद करना चाहेंगे? मैं छोटा था तो एक पत्रकार है शायद दीपक चौरसिया तो कोई वॉर चल रहा था या फिर कोई आतंकी हमला था और वो कैमरा लेके उधर चले गए थे एकदम मेन लैंड में जहाँ वॉर हो रहा था, तो मुझे लगा कि अरे मतलब मीडिया यहाँ तक करती है, वो एक गन से शूटिंग होता है, कैमरे से शूटिंग होता है और वैसे जगह पे दोनों बराबर जोखिम का काम है, ग्राउंड जीरो पे जाके आप कैमरे से भी शूट कर रहे हैं तो समझिए कि आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, आप सारे पत्रकार साथी हैं जो इस तरह के जोखिम उठा करके ये काम करते हैं। बिल्कुल, तो उस तरह से कुछ चीज़ें हम लोगों ने ली हैं फिल्मों में जो आज की पत्रकारिता
मतलब अब तो बहुत सारी भिन्न पत्रकारिता है इस समय, अलग अलग तरह के चैनल हैं, कई जगह कंप्रोमाइज़ भी होते हैं, लेकिन इसमें जो हमारा करेक्टर है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता। समाज के दुश्मनों के खिलाफ वो मुस्तैदी से खड़ा होता है और उनका भंडा फोड़ करता है, उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है। बहुत सही कहा संजय सर, और भगवान करे ऐसे पत्रकार। इसमें हमारे हीरो की टैगलाइन भी है कि सच को उजागर करना सिर्फ मेरा शौक नहीं, मेरी फितरत भी है। ये लाइन थोड़ी सी अब आपके मुंह से आ जाए तो मजा आ जाएगा, मतलब सच को उजागर करना मेरा शौक ही नहीं, मेरी फितरत भी है। सच को उजागर करना मेरा शौक ही नहीं, मेरी फितरत और मेरा धर्म भी है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत एक शब्द ऐड कर दिया। अरे भाई पत्रकारों का बढ़िया बढ़िया। चलिए सर, आप बताएं कि पत्रकारों की अब फिल्म में आप एज ए विलन जा रहे हैं, तो हर बार तो आपकी लड़ाई कई अन्य, इस बार बहुत ही शक्तिशाली होता है पत्रकार अपने आप। ऑब्वियसली कोई एक्सपीरियंस अगर आपका हो, क्योंकि आप भी लिखते हैं, पत्रकारों की कविताएं कहते हैं। नहीं, मेरे साथ कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस पत्रकारिता का, पत्रकारों का कभी नहीं रहा, और सभी पत्रकार बड़े मित्र रहे हैं मेरे, हैं भी। और तो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी टफ होगा कि पत्रकारों के खिलाफ जाना फिल्मों में, तो खैर हमें करना पड़ेगा, हमारी विवशता है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे होते ना कि अगर मैं एक्टर ना होता तो पत्रकार होता। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप एक्टिंग ना करते तो क्या करते, तो मैं पत्रकारिता ही करता। मुझे समीक्षा का बड़ा शौक है, शुरू से रहा है कि मैं जनसत्ता अखबार पढ़ता था, पापा मैं छोटा था तो हमारे घर में जनसत्ता आता था, तो उसमें समीक्षा आती थी फिल्मों की, तो मुझे लगता बहुत बड़ी समीक्षा लिखते थे वो लोग, बड़ी बड़ी फिल्मों की समीक्षाएँ, और बड़ा बैलेंस करके लिखते थे। अभी जो समीक्षाएँ बड़ी प्रो हो जाती हैं कि या तो फेवर में होंगी या खिलाफ में होंगी, बिल्कुल एकदम बैलेंस के, हाँ जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत कहें, तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा है। तो मेरे लिए, हालांकि मैं पत्रकार नहीं हूँ, पत्रकार तो रितेश बाबू, काम तो मेरे को वही सौंपा गया जो हर फिल्म में करता था। पहला इंटरव्यू मेरा पहली फिल्म के समय लिया गया था, और उस वक्त जैसे हमको रियल कैमरे के, हमारे फिल्मी कैमरे के सामने हाथ पैर कांपते हैं, वैसे उस समय भी कांप रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, और बड़ा एक भय था पत्रकारों से, पता नहीं क्या सवाल पूछ बैठे, कब क्या वो करवाएंगे। लेकिन भोजपुरी में थोड़ी एक ये है कि सारे पत्रकार मित्र बड़े करीबी हैं, इसलिए ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं करते, थोड़ा वो भी बचाते हैं, थोड़ा हम भी बचते हैं, करीबी बना के रखते हैं, हम करीबी बना के रखते हैं। कहीं भी पत्रकार में रिक्स होता है, कहीं ना कहीं अगर सच्चाई दिखाने का काम करो, कहीं राजनेताओं की तरफ से दबाव होता है, तो इसमें किस तरह से दबाव आता है, दबाव को छुपा मतलब रख कर जो है सच्चाई किस तरह से दिखाते हैं। देखो भैया, जो दब जाए वो पत्रकार हो भी ना करी, पत्रकार दबने वाला थोड़ी होता है, पत्रकार तो एक बागी होता है, जो हम लोग शुरू से ही देखते आते हैं कि जो पत्रकारों की छवि होती है वो बागी की होती है, उसको कुछ मतलब नहीं है कि आप कौन, जहां कार जुड़ा है वो बागी ही है, बिल्कुल, चाहे वो कलाकार हो या पत्रकार हो, वो बागी ही होता है। बिल्कुल, हम लोग और बहुत आपको बधाई कि भाई आप लोग भी हमारे, आप स्पेशली आप जो है आ गए हमारी टीम में, क्योंकि हम में तो हमेशा यही कहते हैं जो था बेकार वही बन पाया पत्रकार। आज षड्यंत्र फिल्म का मुहूर्त है, और मैं तमाम मीडिया बंधुओं को दिल से नमस्कार प्रणाम करता हूँ। ये एक पत्रकारिता बेस्ड फिल्म है, मीडिया पे आधारित है, और समाज की कुरीतियों को लेके मीडिया कैसे बाहर उजागर करती है, उसी के संदर्भ में हम लोग और मेरे बड़े भाई संजय गुप्ता जी, मेरे भाई अजय पाठक जी और मेरे ये अनुज, तमाम लोग बैठ के एक अच्छी फिल्म देने का प्रयास करूंगा। इसके हीरो रितेश पांडे, संजय और विलेन संजय पांडे, विनीत विशाल वगैरह भोजपुरी के तमाम लोग हैं, और हिंदी जगत के कुछ लोग हैं, और हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर ये संतोष पुरी जी हैं वगैरह, और सारे लोग हम लोग मिल के एक अच्छी फिल्म देने का प्रयास समाज को करेंगे। मैं गीतकार संगीतकार संतोष पुरी, पवन जी ने बहुत ही अच्छी कहानी का एक
वो हुआ है, एक जमीन तैयार हुआ है षड्यंत्र, जो बहुत ही खूबसूरत और समाज को एक आईना दिखाने वाली बात होगी। और बहुत ही अच्छा खूबसूरत गाने का इन्होंने सिचुएशन मुझे दिया है, जिसको मैं इनके उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझ पर विश्वास किया। हमारे हमारे ये संतोष पुरी जो हैं भाई, लगभग हम लोग 20 साल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जानते हैं, और गीत संगीत का साथ में काम भी हमने इनके साथ बहुत किया है। और ये हमारे अजय भाई हैं, अजय पाठक जी बतौर बड़े अच्छे कलाकार भी हैं, और इस फिल्म को यहाँ तक और आगे तक ले जाने में बहुत बड़ी इनकी भूमिका है। ये मेरा नाम नीतीश मिश्रा है और मैं पिछले कई सालों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। और फिल्म के बारे में अगर बात की जाए, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं हिंदी में ही काम कर रहा हूँ, तो सर हमसे मिले तो हमारी बात ही पहले हुई कि हम हिंदी फिल्म करने जा रहे हैं। तो हमारी ये षड्यंत्र फिल्म खड़ी बोली में है, अवधि में है। ये आप पोस्टर देखिए, ऐसा अंदाज़ा मतलब है कि भोजपुरी फिल्म बनने वाली, ये पूरी अवधि फिल्म है और ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एकदम डिफरेंट है, अभी तक ऐसा कॉन्सेप्ट आया नहीं है। सर से हमारी हमेशा बात होती थी कि कुछ नया करना है, और ये अपॉर्चुनिटी बनी और हम लोग इस पर काम स्टार्ट किए। और मैं इसमें इस फिल्म में स्क्रीन प्ले राइटिंग कर रहा हूँ और साथ में डायरेक्शन टीम में सर के साथ, सर को एसोसिएट कर रहा हूँ। और फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है, बहुत हिट होने वाली है। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, थैंक यू सो मच। सर आप बताइए आपके बारे में। पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हृदय से बधाई और साधुवाद कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये फिल्म संजय भैया जो इसके निर्माता है उन्होंने लिखा हुआ है, और इसके निर्देशक कौन जी है, म्यूजिक संतोष पुरी जी का है, और मैं इस प्रोजेक्ट इस फिल्म का प्रोजेक्ट डिजाइनर और एक आर्टिस्ट। तो मैं इस फिल्म के लिए इतना प्रयासरत इसलिए था कि संजय भैया काफ़ी दिनों से प्रयास था कि मैं भोजपुरी फिल्म, अवधि फिल्म जो भी हो उसमें जुड़ूँ और काम करूँ। तो एक हम लोगों ने सरजमी तैयार किया इसका कि कैसे किया जाए। हम सभी ने मिलकर कर इस फिल्म को तैयार किया, ग्राउंड पे लाए, और फिर राकेश पांडे जी को, संजय पांडे जी को, ठीक है, इन सभी लोगों को मैंने, हम लोगों ने सिंडिकेट करके बात किया और फिर फाइनलाइज किया कि इस फिल्म का मुहूर्त आज के दिन रखा जाए और फिल्म को। और इस फिल्म को जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं उन्हीं ने लिखा है इस फिल्म को, और बहुत अच्छे लेखक भी हैं, बहुत मैंने बहुत अच्छा लिखते हैं आप। अगर कोई भी उनकी ये स्टोरी सुनिएगा, अगर आप उनके कहानी को देखेंगे या उनकी कविताओं को कभी देखेंगे जानेंगे, तो वो साहित्य के बड़े अच्छे जानकार हैं। वो उन्होंने एक आत्मा को उजागर किया, और मेरे को वो बुलाए और कहे संजय भैया कि एक अच्छी फिल्म बनाई जाए। और मैं तो फिल्म और एल्बम का बहुत दिनों से काम करता हूँ, लेकिन ये पहली बार ऐसा मिला कि कोई खुद मीडिया में है, वो खुद दो दो चैनल का बनारस मालिक हैं, और दो दो चैनल के सीएम क्या बोलते हैं, सिटी केबल में सिटी केबल और उसका एमडी हैं वो, और उसके बावजूद ही उन्होंने ये हम लोगों की भाषा जो खड़ी बोली बोली जाती है यूपी बिहार अवधि, उसको एक दशा दिशा प्रदान करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कदम लिया। और मेरे को कहे कि भाई चलिए एक फिल्म बनाते हैं, तो संजय भैया और मेरे से और अजय भाई भी थे, तो हम लोगों ने अच्छी फिल्म देने का प्रयास किया और करूँगा। आपको बताया कि भोजपुरी इतनी मीठी भाषा है कि पूरे वर्ल्ड वाइज अगर देखेंगे तो फिजी एक ऐसी जगह जहाँ पे अकेला भोजपुरी ही एफएम रेडियो वहाँ बस भोजपुरी में है, और काफ़ी मॉरिशस ये सब जगह देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। तो इसके जानने वाले, सुनने वाले, समझने वाले बहुत हैं। तो एक हम लोग का देखिए एक चीज़ और भी कहेंगे, जब तक आप अपनी कदर नहीं करेंगे दुनिया आपकी कदर नहीं करेंगे। तो अपनी भाषा, अपना सबकी कदर करिए। चलिए पूजा से भी थोड़ा सा रिकॉर्ड ले लीजिए आप लोग। नेता शैलेंद्र श्रीवास्तव, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस शुभ मुहूर्त पे संजय गुप्ता जी की फिल्म षड्यंत्र का आरंभ हुआ है, मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इसके मुख्य नायक रितेश पांडे जी को भी बधाई देता हूं, और इससे जुड़ी समस्त कास्ट एंड क्रू को शुभकामनाएं देता हूं।
संजय भूषण जी जो इसके पीआरओ हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, शुरुआत हुआ है, किस तरह से जा रहे हैं भैया? प्रथम कदम भी है ही, आपने अगर जो गणेश चतुर्थी को रख दिया तो सब कुछ शुभ शुभ ही होना है। और गणपति को वैसे भी विघ्नहर्ता कहते हैं, तो अगर यदि कोई विघ्न आया भी तो वो हर लेंगे, ये विश्वास रखिए। और आज के दिन जो कार्य जो भी कार्य आप करेंगे उसमें सफलता ही मिलेगी। साहब, मैं उन सभी को जो उसके प्रोड्यूसर हैं संजय गुप्ता जी, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं कि वो ऐसे ही भोजपुरी फिल्मों का निर्माण करते रहें और अच्छी से अच्छी फिल्म बनाएं। अच्छी फिल्मों का अकाल रहता है सदा, और ईश्वर करें अच्छा कार्य हो। बहुत ही शुभ दिन ये मुहूर्त रखा गया है। इसके जो कलाकार हैं रितेश पांडे जी, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ग्राउंड टू अर्थ है, और मुझे लगता है ये फिल्म बहुत ही अच्छी आने वाली है। प्रोड्यूसर संजय गुप्ता जी, मैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और डायरेक्टर पवन सर और पूरी कास्ट एंड क्रू, सिंगर से लेकर जितने भी कास्ट हैं सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं कोशिश करूँगी कि इस फिल्म का जितने ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पब्लिसिटी हो सकता है मैं करूँगी। और आप देख सकते हैं मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है और मेरे साथ ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, सो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। थैंक यू। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी के हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस षड्यंत्र फिल्म से जुड़ के बहुत खुशी हो रही है। और अपने प्रोड्यूसर साहब जो हैं संजय गुप्ता जी ने मुझ पर विश्वास किया और संगीत का जो कार्यभार मुझ पर सौंपा है उसे मैं पूरे दिल से निभाने की कोशिश करूंगा। रितेश पांडे जी स्टार हैं और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे, ये पूरा विश्वास है। और पवन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, डायरेक्टर साहब जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और सारा टीम मिलके बहुत अच्छा काम करने जा रहा है। और आप सबका आशीर्वाद चाहिए, और एक बार और गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस फिल्म में रितेश पांडे जी हीरो हैं और सिंगर सुपरस्टार बधाई जी, बधाई, शुभकामनाएं। कितना जो है हाइट के म्यूजिक जिसको देने वाले हैं? हाँ, ये तो बात है कि वो वर्सटाइल सिंगर हैं। अभी हाल ही में मैंने गाना रिकॉर्ड किया था एक फिल्म का जो बहुत ही डिफरेंट जोनर का था, तो उन्होंने सारे गाने जो हैं इंसाफ किया अपने आवाज़ के साथ। बहुत अच्छे सिंगर हैं और एक्टर भी हैं। तो अभी इसमें बहुत ही चैलेंजिंग मुझे सिचुएशनल, ज़्यादातर फिल्मों में कमर्शियल गाने ज़्यादा रहते हैं, इसमें बहुत कम कमर्शियल गाने हैं, लेकिन सिचुएशनल बहुत अच्छे अच्छे गाने आने वाले हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि रितेश जी इन सारे गानों को बखूबी निभाएंगे। ऐसा नहीं है, म्यूजिक तो कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ से काम मिलता है हम लोग करते हैं, और जो भी काम मिलता है उसे ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। जी, पूरे टीम को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, क्योंकि टीम में मैं भी हूँ, और सब कोई बढ़िया से काम करे, अपना अपना जो भी किरदार जिसको मिला है वो निभाने की पूरी कोशिश करे, यही पूरे टीम को मेरा शुभकामना है। सर, आप बात करें फिल्मों के प्रोजेक्ट के, तो क्या-क्या प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं? भोजपुरी का भी दत्तक पुत्र मैंने किया है, वो आने वाला है, और हिंदी की अभी एक फिल्म मैंने की है 695, उसके डायरेक्टर हैं योगेश भारद्वाज जी, जिसमें मेरे साथ हैं अरुण गोविल जी हैं, मुकेश तिवारी हैं, अखिलेंद्र मिश्रा हैं, और वो बड़ी अच्छी फिल्म बनी है। और कुछ वेब सीरीज़ कर रहा हूँ मुकेश खन्ना जी के साथ, एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, और विनय शुक्ला जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं हिंदी के, जिन्होंने गॉड मदर फिल्म बनाई थी, उनकी फिल्म एक आने वाली है, अभी नाम मैं रिवील नहीं कर सकता, उसमें एक खलनायक हूँ। जनवरी में क्या बात है, बताना चाहेंगे? अभी जैसे हम ऑलरेडी रितेश पांडे जी की एक मुहूर्त के सेट पे बैठे हैं, उन्हीं के साथ आने वाली एक फिल्म जो शूट हुई थी पिछले साल,
और बहुत जल्दी जियो स्टूडियोज पे दिखेगी, और उसके बाद आने वाली है मेरी लव कनेक्शन 2, जानते हैं आप, अभी कुछ महीने पहले रिलीज हुई थी, उसका दूसरा पार्ट भी बन के तैयार है, बहुत जल्दी दर्शकों के बीच में होगा। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो मैं अभी नहीं देना चाहती, लेकिन ये जल्द ही आप लोग के सामने आएगा, बट फिलहाल के लिए यही। नई फिल्म के लिए आपने बहुत ही पवित्र पावन मौके पर अवसर पर इस फिल्म का मुहूर्त किया, मैं चाहता हूँ फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। ये गणेश चतुर्थी जो है वो समस्त लोगों के जीवन में नई रोशनी लेके आए, और मुझे उम्मीद है कि सारे लोग बहुत ही तरक्की करेंगे। ये हमारे यशस्वी फिल्म्स क्रिएशन की पहली फिल्म है जिसका नाम षड्यंत्र है। ये मिक्स लैंग्वेज में बनाई जा रही है, हिंदी और भोजपुरी मिक्स है, और ये समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ जो षड्यंत्र के तहत किसी बहुत सीधे साधे लोगों को जो फंसाया जाता है उसके खिलाफ की लड़ाई है। इस फिल्म के मेन हीरो हमारे रितेश पांडे जी हैं, और उसमें साथी कलाकार कई अभी फाइनल हुए हैं, कई हो रहे हैं, हीरोइन की तलाश जारी है, और कुछ लोगों का ऑडिशन वगैरह लिया गया है। जैसे ही वो पूरा होगा फिल्म की पूरी स्टार कास्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। हीरो के तौर पर रितेश पांडे जी हमारे भोजपुरी समाज से आते हैं, हमारे बनारस के हैं, और सबसे बड़ी बात है वो एक बेहतरीन इंसान और बेहतरीन एक्टर हैं। उनकी पिछली दो फिल्में प्रजातंत्र और राजा राजकुमार मैंने देखी, उनका काम मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने उनको अपनी इस फिल्म में कास्ट किया है। कब शूट करेंगे, कहाँ शूट करेंगे? ये फिल्म बेसिकली उत्तर प्रदेश में ही शूट होगी, बनारस सोनभद्र मिर्ज़ापुर के आसपास इसका पूरा खाका खींचा गया है, और वहीं पर हम लोग इसको शूट करेंगे। अक्टूबर एंड में नवम्बर मिड तक में हम लोग इसकी शूट करेंगे। हीरोइन जो हमारे फिल्म की डिमांड के हिसाब से है वो एक नाबालिग लड़की है, इसलिए थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि वो एक इनोसेंट और कम एज की दिखने वाली मासूम सी लड़की है, उसके लिए तलाश अभी जारी है, कुछ लोग हैं अभी दिमाग में, जैसे भी फाइनल होगा वो सामने आएगा। निश्चित रूप से, और शायद मुझे बताते हुए आप लोगों को हर्ष हो रहा है, इस फिल्म की कहानी भी मैंने ही लिखी हुई है और एक रियल घटना के ऊपर आधारित है, जो हमारे समाज में फैली हुई बुराइयां हैं और विशेषकर महिलाओं के सम्मान के खिलाफ जो काम होते हैं उनसे हमारे हीरो की लड़ाई है जो उनको प्रोटेक्ट करता है, इसी के इर्द गिर्द सारा ताना बाना बुना गया है। जी बहुत ही उमदा इसका मतलब सर ने जो कहानी लिखी है वो बहुत ही अलग है, और समाज में जो इस तरह का जो काम होता है, गलत काम होता है, उसको पर्दाफाश किया गया है, उस पर कैसे समाज को जागरूक करना चाहिए, वही एक महिला के इर्द गिर्द घूमती है कहानी, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस फिल्म से जुड़ के, क्योंकि इसमें करने के लिए बहुत कुछ है मेरे लिए, और सर ने मुझ पर विश्वास किया इस फिल्म के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। बेसिकली बनारस को बिलोंग करता हूँ, बनारस में ही मेरी पैदाइश है, वहीं पला बड़ा, वहीं एजुकेशन हुआ, और फिल्म और टीवी से मैं लगभग 91 से जुड़ा हूँ। पूरे बनारस में केबल टीवी का बहुत बड़ा नेटवर्क मेरा है, और मैं सिटी केबल और डेन का वहाँ का जॉइंट वेंचर मेरे अंडर में चलता है, मैं उनका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। 94 में मैंने बनारस में सबसे पहले बनारस का टीवी चैनल शुरू किया था सी टीवी के नाम से, जो आज भी चल रहा है, वहाँ हम लोकल प्रोग्राम बनाते थे और न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें, वो आज भी हमारे माध्यम से ही शुरुआत हुई थी और अभी तक वो चल रही है। इस बीच में कई छोटे बड़े इवेंट्स हम लोगों ने किए, कुछ म्यूज़िकल एल्बम्स किए, छोटी बड़ी फिल्मों में मैंने फाइनेंस किया, और अभी मुझे लगा कि मुझे इस कहानी के पीछे पूरा अपना ध्यान केंद्रित करके उसको कुछ बड़े पर्दे पे लाना है, और पवन जी जो हमारे डायरेक्टर हैं इनकी मैंने पिछली दो फिल्में देखी
और मुझे इनका काम पसंद आया, इनकी कास्ट जो है और इनके साथ की टीम जो है मुझे अपील की, इसलिए मैंने इनको हायर किया और निश्चित रूप से हम लोग मिलके एक बहुत ही अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों के उम्मीदों पे ये खरी उतरेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी किरदार के बारे में तो थोड़ा सा गुप्त रखा गया है, लेकिन इस फिल्म का एक अहम हिस्सा हूँ और ये फिल्म जैसा कि सर ने बताया षड्यंत्र, षड्यंत्र क्या, एक जो समाज के कुछ लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ हमारे जो हीरो हैं नितेश जी लड़ाई करेंगे और हमारी देश की जो नारियाँ होती हैं उनके आत्मसम्मान के रखी है। हम लोग कहानी जब नरेशन सुन रहे थे, बहुत अच्छा नरेशन और बहुत अच्छी डायलॉग उन्होंने और सारी चीज़ उन्होंने जो लिखा है ना, आप आएगी तो आपको एक बहुत अच्छी फिल्म मिलेगी। खुद पढ़े लिखे और बहुत ही विद्वान आदमी है और उन्होंने जब स्टोरी लिखा है कॉन्सेप्ट रियल में बहुत डिफरेंट है और ऊपर से अच्छी बात रही कि सर की दोनों फिल्में मैंने देखी, कुछ हटके करने का जो जज्बा है सर के अंदर और जो चाहते हैं और हमेशा हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि कैसे इसको शूट करेंगे, कैसे बनाएंगे जो डिफरेंट हो, तो ये भी डिफरेंट होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है और भोजपुरी में एक अलग तरह का प्रयोग भी है, आप देखेंगे एक नई प्रयोग, एक नई तरीके से कहानी को पिरोया गया है और ज़्यादातर षड्यंत्र आप लोगों के बीच आएगी, आप लोगों का सहयोग और प्यार भरपूर मिले हमारी पूरी टीम को। महादेव, हर हर महादेव, सबका कल्याण हो, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।